लाइन नहीं है। नहीं अभी 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 तो खाने नहीं है लाइट। किशनगंज के बाद पूर्णिया जिले में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। अमौर और बैसा ब्लॉक में नदियों में उफान है, जिसके वजह से जगह जगह बाढ़ के हालात हैं। ज्यादातर इलाकों में घर आंगन में पानी घुसने से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वहीं रास्ता कटने से आवाजाही की परेशानी बढ़ गई है। आइए एक नजर में देखते हैं कहाँ कहाँ पर महानंदा, कनकई और परमान नदियाँ तबाही मचा रही है। बैसा ब्लॉक के हफनिया पंचायत के डमरहा, मलहाना, सिरसी, पोखरिया, तेलंगा में बाढ़ के हालात हैं। परमान नदी किनारे बसे पोठिया, गंगेली, तरोना, बिष्णुपुर, मंगलपुर, छत्तरबोग, हजरिया, मैनापुर, रसेली, कदगवा, बिजलिया में भी यही हालात हैं। इसके अलावा कोबरा, परसराई, मुजफ्फरनगर, सूरजापुर, बासोल, खाड़ी महीन गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कहां से आ रहे हैं आप? नगरा टोला। नगरा टोला से? तो घर खाली कर दिए? खाली कर दिए। कितना परिवार है जो घर खाली किया है? ऐसा कम 20 घर है। 20 घर। पानी की क्या स्थिति है अभी? पानी अभी बहुत स्थिति खराब है, तेजी से बढ़ रहा है। क्या लगता है कि पहले जो 17 में बाढ़ आया था वैसा तो कोई स्थिति नहीं है? नहीं, 17 की तरह नहीं, 17 से कम है। अभी पानी बढ़ रहा है, क्या पता 17 की तरह हो जाए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी इधर पुल की तरफ, पुल पे शरण लेना है। इलाके में लगातार बारिश और नदियों में उफान की वजह से लोग घर द्वार छोड़ रहे हैं। आम आदमी के सामने में खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। वहीं खेत खलिहान डूबने से मवेशी को चारा मयसर नहीं हो रहा है। अमौर के खाड़ी महीन गांव मेटोला मेष्टबाथना में एक बार फिर नदी कटाव तेज हो गया है, जिससे मजबूर होकर लोग अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। और इसके अलावा सिरसी पोखरिया में मुख्य सड़क मार्ग कट जाने से दुलालगंज तक कई गांव का संपर्क बंद हो गया है। स्थिति बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान है। अच्छा, हर कोई अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में। तो जलस्तर में क्या मतलब इजाफा बहुत ज्यादा है क्या? जी, पानी का अच्छा बढ़ाव है। कितने गांव प्रभावित हैं? उछाल पर है। अच्छा, कितने प्रभावित हो गए? गरम भरम है, हर इंसान अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में, और जिंदगी जब तक ना रहेगी तो जान जहान कहां से रहेगी। अच्छा, कितने गांव प्रभावित होंगे आपके हिसाब से अब तक? ये नगरा टोल भी है और तालबारी भी है, सूरजापुर भी है, खारी भी है, भेरमरा भी है। तो अब तक कोई राहत बचाव कार्य ऐसा कुछ? राहत बचाव तो अब तक नहीं हो पाया। अब निदेशक भी आए हैं और उसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। अमौर और बैसा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ में फंसे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं मोटर बोट वगैरह नहीं होने से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। हालात 2017 की बाढ़ की तरह विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रशासन की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। अभी कनकई नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा इलाका है? ये सिमलवाड़ी नगरा टोला है। क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत बुरा स्थिति है यहाँ। यहाँ से लोग क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं सब, आप तो देखे होंगे अभी घर तोड़ रहा है सब। अच्छा अच्छा, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? जहाँ शरण मिलेगा चले जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमर सही मक्का। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये दो रोज से। दो रोज से? अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से भी बारिश हो रही है, लगातार 3 दिन से बारिश है और कल तक भी बारिश होने का पूरा संभावना बता रहा है मौसम वैज्ञानिक द्वारा। और बहुत ही हालात गंभीर है, नदी कटान का भी सबसे ज़्यादा प्रभाव है और निचले इलाके में पानी भी अब प्रवेश हो गया है, जिसमें कई मुख्य सड़क है जिससे जो है लोगों का संपर्क टूट गया है। जैसे एक महानंदा नदी बहुत उफान पर है, जिससे कई गांव में तो कटान ही है। उसके साथ जो है अभी दुलालगंज हाट से जो पोखरिया सिरसी को जोड़ने वाली सड़क थी, जो हर साल तकरीबन कट जाती है, लेकिन इस बार भी वहां पर उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है उसको कट गया। जो अभी विजल्स मिल रहे हैं कि वो पूरा पानी ओवरफ्लो हो रहा है उस सड़क पर और कई जगह कट भी चुका है, जिसके कारण हफनिया और चिलनी, पोखरिया वगैरह और इसके साथ तेलंगा वगैरह जो गांव है, जो मरियाधार है, उसमें प्रवेश कर चुका है महानंदा नदी का पानी डाइवर्ट होकर के। तो बहुत भयावह स्थिति है। उसी तरह से आप देख लीजिएगा कि कनकई नदी से गजगरैया चनकी जो है, उसका जो मुख्य सड़क जो MMGY मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना था, वो तो पूरा धराशायी हो गया सड़क।
और मुख्य सड़क जो है लोगों को मुख्य सड़क हरिपुर तक आने के लिए लोगों को एक एक चार चार पाँच पाँच फीट पानी का सहारे जो है आना पड़ रहा है। तो लोग सुरक्षित अपने माल मवेशियों को सड़क पर लेके जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा अभी तक चहल पहल नहीं है, जिसके कारण जो है मुझे लगता है कि ये लोग अब किस तरह की निगरानी या रिपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो आगे से हम लोग को जो जानकारी मिल रही है कि पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और भयावह हालात बन रहा है, तो इसीलिए लोगों को काफ़ी डर है, सता रहा है और ऊंचे ऊंचे अपनी जगहों पर जो है अपने माल मवेशी को या खाने पीने के अनाज को लेकर के जो है पहुंचा रहे हैं। हालात बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ तो मिट्टल और गजगरिया दोनों में एक जगह है, दोनों वार्ड वहीं पर कटा हो गए। कितने घर प्रभावित हुए? मोटा मोटी रहती है ना 77 घर है। सभी कट्टे के घर पर? नहीं, 20 तो कट चुका है। बहुत दयनीय स्थिति है, सब लोगों का घर कट रहा है। अच्छा। उसमें मेरा भी घर है बगल में और 10-15 परिवार का घर कट चुका है, मतलब 77 परिवार हम लोग अभी बगल में है नदी का, जो कटने के कगार पर है।